नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि निगरानी विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेवेन्यू इंस्पेक्टर को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया चले कि यह मामला आजमगढ़ का है। बुढ़नपुर तहसील में अपनी सीट पर बैठकर घूस वसूलते रेवेन्यू इंस्पेक्टर सुभाष सिंह को गोरखपुर की एंटी करप्शन टीम ने मंगलवार को रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना के बाद तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। 10,000 अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, तभी सादे वेश में आसपास बैठे एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने उसे दबोच लिया। बगल में बैठा लेखपाल मौके से भाग निकला। मिली जानकारी के मुताबिक कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर के निवासी देवेंद्र कुमार यादव उर्फ डब्लू अपनी ज़मीन की पैमाइश कराना चाहते थे, जिसका विवाद दिनों से चल रहा था। पैमाइश 2016 में से अटकी थी। पैमाइश कराने को लेकर रेवेन्यू इंस्पेक्टर व लेखपाल ने उसे घूस की मांग की थी, जिसमें 10,000 रुपये मांगे गए थे, जिसकी सूचना डब्लू ने प्रयास सामाजिक संगठन के माध्यम से एंटी करप्शन टीम गोरखपुर को दी और मदद मांगी। टीम मंगलवार को आजमगढ़ पहुंची और टीएम के यहां से परमिशन लेकर बूढ़ापुर तहसील पर पहुंच गई। इसके बाद जाल बिछाया गया, जिसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर फंस गया। मजे की बात तो यह थी कि जब टीम के सदस्य चैम्बर में इधर उधर बैठे थे और पीड़ित 10,000 रुपया थमा रहा था, तो बगल में ही बैठे लेखपाल को भी नहीं रह गया। उसने सबके सामने मुँह खोल कर कहा कि अब तू उनसे नहीं पढ़ लिए हैं, हमको भी देख लो। हालांकि जब टीम ने तत्परता से कार्रवाई की तो वहां मौजूद सभी के होश उड़ गए। आरोपित रेवेन्यू इंस्पेक्टर को टीम के सदस्य कप्तानगंज थाना ले आई, जहां कार्रवाई की जा रही है। तो अभी आप मेरे चैनल के माध्यम से बड़ी खबर देख रहे हैं। आजमगढ़ बुढ़नपुर तहसील से पता चले कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है घूस लेते हुए, 10,000 रुपया घूस लेते हुए। तो ये एक बड़ी कार्रवाई कही जाएगी। एक तरह से एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा है। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, उसको ले जाया जा रहा है। किस तरह से कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गया। बताते चले कि सुभाष सिंह नाम है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसको कानूनगो भी कहा जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं आजमगढ़ से है। 10,000 रुपये घूस लेते हुए कानूनगो यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रंगे हाथों एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इस तरह की तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर से आप अपडेट रह सकें। धन्यवाद।